दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेयर ऑफसेट के बारे में कि वेयर ऑफसेट हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। खास करके दोस्तों जो न्यू ऑपरेटर हैं, जो सीएनसी मशीन अभी सीएनसी मशीन को ऑपरेट करना स्टार्ट किए हैं या फिर जो सीएनसी मशीन ऑपरेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों बहुत ही स्पेशल वीडियो है और बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वेयर ऑफसेट का यूज कैसे करना है। तो जैसा कि दोस्तों सीएनसी मशीन पे कोई भी जॉब जब हम बनाते हैं तो उस जॉब का एक साइज दिया रहता है, उस साइज के हिसाब से हमें जॉब बनाना पड़ता है। तो जब हमारा मशीन कंटिन्यू रन रहता है तो जो भी साइज हमारा प्रोग्राम में पहले से सेट किया रहता है, जैसे कि हम अभी कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं ना तो उसमें डायमीटर का साइज डालते हैं, जैसे कि अभी ये डायमीटर हमारा कितना है 24.94, ठीक है। अब ये साइज का हमें डायमीटर चाहिए। अब जब कंटिन्यू हमारा मशीन जब रन रहेगा तो ये साइज में वेरिएशन आएगा, आप इंसर्ट चेंज करेंगे तो भी वेरिएशन होएगा, और अगर आप इंसर्ट नहीं चेंज करते हैं, कंटिन्यू आपका मशीन रन रहता है, उसके बावजूद भी ये साइज में आपको डिफरेंस मिलेगा। साइज हमारा प्लस भी जा सकता है और माइनस भी जा सकता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हम क्या यूज करते हैं, वेयर ऑफसेट। और भी ऑफसेट है लेकिन ज़्यादातर हम वेयर ऑफसेट में ही कंट्रोल करते हैं। फिर हम वेयर ऑफसेट में आके जो भी नंबर में हमारा टूल रहेगा उस नंबर में जाके प्लस और माइनस करते हैं। यही चीज़ दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और रही बात दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टूल में कौन से नंबर में कौन सा टूल लगा है, जो टूल से हमारा वो डायमीटर कंट्रोल होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके ऊपर दोस्तों मैं पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो उसमें आपको मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि खास करके जो नए ऑपरेटर लोग हैं ना, जो सीएनसी मशीन ऑपरेटिंग करना स्टार्ट किए हैं या फिर उन्हें प्लस माइनस करना भी आ गया है कि प्लस माइनस कैसे करते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता है कि कौन से नंबर में हमारा वो टूल है जो टूल से हमारे साइज में प्रॉब्लम आया है। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ, लेकिन मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ कि प्लस माइनस कैसे करना है। तो जैसे कि आपका मशीन ऑटो में रहेगा, रन रहेगा, तो कुछ इस तरीके से आपके मेन स्क्रीन पे दिखेगा या फिर पुश का बटन दबाने से आपका पार्ट काउंट दिखेगा, मशीन का आपका पोजीशन दिखेगा। तो अगर आपको ऑफसेट में जाना है तो आप क्या करेंगे, ऑफसेट का बटन प्रेस करेंगे। ऑफसेट का बटन प्रेस करने के बाद आपको सामने वेयर आ जाएगा। अगर वेयर नहीं आता तो फिर आपको वेयर लाना कैसे है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर वर्क आता है आपको वेयर लाना है तो आप ऑफसेट का बटन जो है इसको एक बार प्रेस करिए, फिर यहाँ पे देखिए वेयर आ गया। अगर ज्योमेट्री का ऑफसेट सामने, अगर जैसे कि ऑफसेट ओपन किए आपको सामने ज्योमेट्री ऑफसेट आया है, ज्योमेट्री ऑफसेट में न्यू ऑपरेटर दोस्तों इसमें बिल्कुल भी आप प्लस माइनस मत करिए, आपको वेयर ऑफसेट में जाना होगा। वेयर ऑफसेट के लिए आप वापस ऑफसेट का बटन प्रेस करेंगे तो वेयर आ जाएगा, वेयर को वापस प्रेस करिए फिर वेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वेयर ऑफसेट अगर हमारा आ गया है, हमें क्या करना है, एक नंबर यक्स, ये यक्स है, ये जेड है, एक नंबर यक्स में हमें प्लस, जैसे कि हमारा डायमीटर 100 है, 100.1 आ रहा है, पॉइंट वन प्लस आ रहा, तो पॉइंट वन माइनस करने के लिए आपको क्या करना है, -0.1, उसके बाद प्लस इनपुट एक्सेस। अगर आपको प्लस करना है, पॉइंट वन आपको प्लस करना, अभी मैं माइनस के लिए क्या किया हूँ, -0.1 किया हूँ, प्लस इनपुट एक्सेस किया हूँ, ठीक है। अगर आपको प्लस करना है तो प्लस के लिए क्या करना है, आपको प्लस का बटन प्रेस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट 0.1 कर देना है, उसके बाद प्लस इनपुट एक्सेस, आपका पॉइंट वन प्लस हो गया। मतलब आपको माइनस करने के लिए माइनस का बटन प्रेस करना होगा, प्लस के लिए आपको ये प्लस, देखो प्लस का आइकॉन यहाँ पे दिख रहा है लेकिन इसको आपको हाथ नहीं लगाना है। अगर आपको प्लस करना है तो 0.1 डायरेक्ट कर देंगे, आपका मशीन प्लस में वो चला जाएगा। आप 0.1 डालिए या फिर 0.1 करके भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं। 0.1 करके प्लस किया हूँ, -0.1 करके माइनस कर दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें वेयर ऑफसेट में प्लस माइनस करना है। अगर जेड में करना है तो जेड में भी हमें उसी तरीके से करना है, बस हमें कर्सर से जेड में ले लेना है, जेड में 0.1 प्लस कर दिया हूँ। अगर माइनस करना है तो -0.1 कर दिया हूँ, प्लस इनपुट एक्सेस, तो ये हमारा ऑफसेट में प्लस माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों अगर जैसे कि मैंने आपको क्या बताया है कि 0.1, अगर आपको 0.1, 0.2, 5 माइक्रोन भी प्लस माइनस करना है तो उसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे हम आते हैं, जैसे हमें 0.5 या 0.2 माइनस करना तो -0.02 कर देंगे, प्लस इनपुट एक्सेस। 5 माइक्रोन करना तो -0.005, प्लस इनपुट एक्सेस। इस तरीके से दोस्तों हम वेयर ऑफसेट में प्लस माइनस करते हैं। वेयर ऑफसेट का यूज हमें दोस्तों इसी तरीके से करना है, ऑफसेट में जाना है, वेयर ऑफसेट में आपको जाना है, वेयर ऑफसेट अगर ओपन हुआ ठीक है, नहीं हुआ उसे ओपन करके निकालना है आपको, उसके बाद जितने नंबर के टूल में आपको प्लस माइनस करना है आप जाके इस तरीके से प्लस माइनस कर सकते हैं। उसके बाद आपको बाहर आने के लिए क्या करना है, प्रोग्राम का बटन प्रेस कर दीजिए या फिर आपको पार्ट काउंट देखना है तो उसके बटन दबाइए, इस तरीके से आप
आ सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आपका ऑफसेट में इस तरीके से आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, तो भी आपको क्या करना है, ऑफसेट का बटन प्रेस करना है, वेयर करना। अगर ज्योमेट्री आता है तो ज्योमेट्री में आपको कुछ भी नहीं करना है, वेयर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस माइनस करना है। मैं दोस्तों बहुत ही जल्द वाला हूँ कि कौन सा टूल हमारा कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, कैसे पता चलेगा, हमें कैसे माइनस करना है, कैसे प्लस करना है, कौन से टूल को कब माइनस करना है, कौन से टूल को कब प्लस करना है, इसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल के साथ मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलता रहे। चैनल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।